जी हमें तो भाई, हम सबको भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपनी फीलिंग बस शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे लिए सफलता एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सर थैंक मैं यू ऐसी जगह से बिलोंग करती हूँ ना कि पहले तो दिल्ली में थे, यहाँ अब यहाँ इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कोरोना के चलते, ये जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, और टीचर्स तो सर आई हैव नो वर्ड्स, स्पेशली भगवती सर सर वो इतना मोटिवेट करते हैं पढ़ाते पढ़ाते, मतलब मैथ्स क्या है, मतलब शायद कोई जीरो लेवल का भी कोई स्टूडेंट आएगा तो सर मतलब इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं हर चीजों को वर्ड बाय वर्ड, अगर कोई 100 बार नहीं बल्कि 1000 बार भी पूछेगा तो वो ये नहीं बोलेंगे कि बाद में बताएंगे, ठीक है बेटा और बताओ, ठीक है क्लियर हुआ, जब तक वो दिल से क्लियर ना करवा दें तब तक वो आगे नहीं बढ़ते हैं। और ऐसा नहीं है सर कि ओनली मैथ के ही सर हो, जितनी भी फैकल्टीज हैं सच में वो बच्चों में इतना अपना एफर्ट लगाते हैं, हम लोग को मतलब जिसको पढ़ने का मन ना भी करे ना वो भी पढ़ने लग क्या गया है बात है, क्या बात है, क्या बात सर। है। बहुत 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 ज्यादा थैंक, बहुत बड़ा वाला थैंक यू बोलना चाहती हूँ सब टीचर्स के लिए, स्पेशली आपको सर, क्योंकि आप ही सब चीज तो वो आप करते लोगों को हैं। कि आप लोगों ने हमारे पर विश्वास किया, आप लोगों ने हमारे पर ट्रस्ट किया, आप लोग हमारे साथ जुड़े, सो थैंक यू आप लोगों को। और डेफिनेटली हमारे टीचर्स को बहुत बड़ा धन्यवाद, सर क्योंकि इस क्लास उसका में खाली ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई की जाती है, बच्चों को मोटिवेट करने के साथ साथ ना उनकी जो हेजिटेशन होती है वो भी निकाली जाती है, क्योंकि टीचर स्टूडेंट के बीच जो एक कन्वर्सेशन होता है वो बहुत अच्छे लेवल का है, और वो चीज़ों को एक्सप्लेन करने के साथ साथ उनकी हेजिटेशन निकालते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ाते हैं और चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियर भी करते हैं। बहुत शानदार, बहुत अच्छा, बहुत सर अच्छा। जैसे हिंदी, जैसा हिंदी का फॉर एग्जांपल, हिंदी बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है लेकिन वो सर हिंदी को भी इतने अच्छे से करते हैं कि लोगों का इंटरेस्ट आता है, स्पेशली मुझे अगर आगे मैं जैसे कोई भी प्रिपरेशन भी करूँगी, जैसे मुझे ऑप्शनल लेने के लिए बहुत कंफ्यूजन होता था तो यहाँ के टीचर इतने अच्छे से क्लियरिफिकेशन करते हैं कि आप सब्जेक्ट भी अगर ऑप्शनल भी किसी को अगर किसी चीज में अगर जैसे प्रॉब्लम होती है तो वो भी डिसाइड कर सकता है, तो इसलिए सर थैंक यू सो 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 मच कि आपने इतने थैंक अच्छे यू, टीचर्स दिए हमको, और बिल्कुल हम भी बिल्कुल, पूरी दिलो जान से पूरी मतलब कोशिश, एक्चुअली सर मुझे 1 month हुआ है अभी ये कोचिंग ज्वाइन करे, कुछ प्रॉब्लम्स थी इसकी वजह से मैंने 3-4 month से तो नहीं ज्वाइन किया, बट 1 month में ही मतलब कि एफर्ट जो दिखा रही, मतलब बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छे टीचर हैं सर, थैंक बहुत ज्यादा यू। अच्छे टीचर। यू हैव मेड माय डे टुडे एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माय टीचर्स। मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फीडबैक मुझे हर बच्चे से मिलता है, बट आपने जिस तरह से बताया वाकई बहुत अच्छा बताया। और विश्वास करिए, ये फीडबैक से हम लोगों को इतनी एनर्जी मिलती है, हम लोगों को इतना अच्छा लगता है कि आप ये लगा लीजिए कि दुगनी तुगनी हो जाती है हमारी क्षमता आप लोगों के साथ काम करने की। सो थैंक यू सो मच फॉर यू नो टेलिंग अस दिस काइंड वर्ड्स। और अच्छे से तैयारी करिए, और मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ, आप जो भी एम अपने लाइफ में लेंगी ना, वो एम आप डेफिनेटली अचीव करती है। सो दैट इज माई कमिटमेंट टू यू, मैं आपको बिल्कुल बोल रहा हूँ। एंड यू आर अ ट्रू चैम्पियन एंड यू विल प्रूव इट, दीज आर माई वर्ड्स टू यू, आप बिल्कुल याद रखिएगा हमेशा। सर मेरा भी वही पवन के जैसे मेरा भी वही प्रॉब्लम है, थोड़ी मेरी भी इंग्लिश वीक है डोंट लेकिन बी, बहुत अब भी डर जल्दी, नहीं बहुत है क्योंकि जल्दी वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ प्रोग्राम जहाँ पे हम आपकी इंग्लिश बिल्कुल दुरुस्त करने वाले हैं आप सब लोगों की, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू इन्वाइट ऑल ऑफ यू इनटू दैट। उसके अलावा भी जो हम लोग कर सकते हैं, आई विल आस्क टीम टू गेट इन टच स्पेशली फॉर दिस बैच। जो मैं कह रहा था कि जो भी रिसोर्सेज हम इंग्लिश के अवेलेबल करा सकते हैं आप सब लोगों के लिए, जरूर कराएंगे। हम अपने किसी भी बच्चे को ऐसी स्थिति में नहीं रखना चाहते जो कोई भी चीज उनको परेशान करे, ट्रस्ट मी थैंक यू सो वी आर मच देयर सर, विद यू। थैंक यू, थैंक यू किरण, थैंक यू रियली थैंक यू सो रियली मच सर। अप्रिशिएट योर फीडबैक। या या या